आईएमए के पूर्व अध्यक्ष व भारत के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सहजानंद ने नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने बताया कि समाज सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जिस तरह से चाय बेचने वाले का बेटा आज भारत के प्रधानमंत्री, उसी तरह मैं एक किसान का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था जताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस तरह से भारत के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह नवादा की जनता के लिए मैं भी काम करना चाहता हूं। देखिए, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने वाले डॉक्टर सहजानंद जी आज हमारे साथ हैं, लेकिन आज मेडिकल से संबंधित कोई बात नहीं होगी क्योंकि चुनावी मौसम आ गया है और चुनाव के रंग में पूरा देश जो है रंग चुका है। और कहा जाता है कि सियासत की जो शुरुआत होती है वो बिहार से ही होती है। इसी क्रम में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, चर्चाएं चल रही है कि डॉक्टर सहजानंद नवादा से चुनाव लड़ेंगे। यदि वहां जिम्मेवारी मिलेगा तो उसको ठीक से पूर्णतः काम करेंगे, और हमारा तो एक ही है, एक ही धर्म है, गरीब का सेवा कर। तो मैं गरीब का सेवा करूंगा और जथा संभव होगा मैं गरीब जनता के लिए काम करूंगा। कहा जाता है बरबीघा से सटे ही आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि सदा से वो क्षेत्र रहा है, तो दावेदारी तो बन भी रही है आपकी। ऐसे भी तो मेरा बरबीघा घर है ना, बरबीघा मेरा मकान है और मैं उस कंस्टिट्यूंसी में रहने वाला हूँ। वहाँ के 90% लोग हर एज ग्रुप के लोग हमको जानते हैं, इसलिए कि आज भी हमारे हॉस्पिटल में 43% पेशेंट नवादा के लोग भर्ती होते हैं, बरबीघा के होते हैं, वारसलीगंज के होते हैं, हिसुआ के होते हैं। और आज भी मैं हिसुआ जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूजा जो आज है ना महाशिवरात्रि का, 5,000 पब्लिक जमा होगा, वहाँ जा रहे हैं। बरबीघा तो मेरा कर्म क्षेत्र है, वहाँ तो एक एक आदमी का घर घर जाते हैं। और इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जो कार्य कर रखा है देश के लिए, देश विदेश में जो उनकी चर्चाएं हैं, जिस तरह का काम करते हैं, उसको हम सैल्यूट करते हैं। इसी के चलते मेरा रुझान इस पार्टी की तरफ हुआ, और यदि मिलेगा टिकट तो मैं उसको ठीक से करूंगा और लड़ूंगा और अच्छे मुंह से जीतूंगा। श्री बाबू को भारत रत्न के लिए आपने बराबर जो है मांगे उठाई है, क्या लग रहा है कि अब श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलना चाहिए? श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए, उस तरह का विद्वान चीफ मिनिस्टर, दो ही चीफ मिनिस्टर उस जमाने हुआ करते थे, एक बीसी राय और दूसरा श्री बाबू। श्री बाबू पूरा जहां से जो पूछता था पार्लियामेंट के, क्या रूल ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एक चीज उनको याद रखता था। और उस तरह के लोग अच्छी से नहीं बनता, उस तरह के ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं उस समय भी, और आज तो है कि नहीं करना मुश्किल है। जिस तरह से ईमानदार जो जात पात कभी नहीं देखे, और जिस तरह सब लोग को लेके चले माननीय राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बहुत मानते थे उनको और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने कर रखा था। और श्री बाबू का दिन है, राजेंद्र बूल बरौनी पावर सब उन्हीं का देन है, उन्हीं का किया करा है। जो है नवादा में लगातार जो है मांग उठते रही है कि घर का नेता घर का बेटा, तो क्या डॉक्टर सहजानंद इसमें फिट होते हैं? हमसे तो कोई फिट नहीं होते हैं, घर के नेता भी हैं और मैं वहीं पढ़ा लिखा है, मेरा अपना मकान है, घर है बरबीघा में। बरबीघा में पैदा लेने से लेकर के ग्रेजुएशन तक बरबीघा में रहा, और मेरा वहाँ नाम भी है वोटर लिस्ट में। तो हम तो घर का नेता और घर के सब कुछ तो है ही, बरबीघा में तो मेरा सब कुछ है। और बरबीघा अरे घूम करके देख लीजिए, मैं एक ही बात कहूँगा बीजेपी के नेता से, जो वहाँ सर्वे करवा लें, पूरे नवादा में सर्वे करवा, मतलब ये मन बना चुके हैं कि बीजेपी से ही चुनाव लड़ना है, या घटक दल में किसी से भी अगर सीट मिल जाए। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री उनकान को सैल्यूट करते हैं, उनको देख जब देखते हैं तो आंख आंसू आ जाता है। उस तरह का कर्मठ आदमी, उस तरह जो 4 घंटा ज्यादा सोते नहीं है और देश के काम करते हैं। लेकिन चुनौतियां तो बड़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि
एक पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना बड़ी बात है। ऐसे ही आप समाज सेवा में है और भी बड़ा बोझ कह सकते हैं बढ़ेगा तो। सर ऐसा है ना, जब जिम्मेवारी मिलती है तो लोग काम करता है, ताकत हो जाता है, हर तरह से आदमी एक्टिव हो जाता है, मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए डॉक्टर साहब तैयार हैं, एकदम तैयार हैं और लगेंगे। और इसलिए कि मैं बरबीघा का रहने वाला हूं, मेरा घर जन्म गांव लोदीपुर पड़ता है जैसे नालंदा में, लेकिन बरबीघा में पढ़ा लिखा और पुरानी शहर मेरा अपना मकान। थ्रू आउट बरबीघा में ही रहा 10 साल तक, इसलिए वहां के लोग जानते हैं। वहां के लोग जानने से वहां के लोग आके कहते हैं कि आप लड़ना, लोगों की मांग पर डॉक्टर साहब अब जा रहे हैं, अब चुनाव के मैदान में ताल ठोक देंगे। हाँ, लेकिन हम डिसिप्लिन आदमी है, जिस तरह से ऑलरेडी मैं प्रेजेंट बना, हमारे खिलाफ कोई नहीं खड़ा था। मैंने किसान के बेटा को पूरे देश के लोगों ने चुना, इसी तरह से अधिक चुनती है बीजेपी सरकार। मेरा अधिक होता है कि नहीं आप लड़िए तो मैं लड़के दिखा दूंगा और बहुत अच्छे भरोसा जीतूंगा। तो देखिए, ये थे डॉक्टर सहजानंद। जिस तरह से मोदी जो है चाय वाले के बेटे थे, उसी तरीके से एक किसान परिवार से ये भी आए हुए हैं और इन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी के प्रति जो इनकी आस्था है वो बहुत ही गहरी है। और इन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को ये जिम्मेदारी देती है तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए वो बखूबी तैयार है। फिलहाल 2024 अब जो चुनाव है 10 से 15 दिन में जो है घोषणा हो जाएंगी तारीखों की। अब देखना यह है कि डॉक्टर साहब जो है नवादा से क्या कमाल करते हैं। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। पटना से मैं सुधेंदु रमन।